तो हिंदी में एक कहावत है जैसे को तैसा, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट, और वैसा ही आज कुछ देखने को मिला हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डे 4 के टेस्ट मैच में, और वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके बाद इंडियन T20 लीग को लेकर भी मेरे पास एक बहुत बड़ी अपडेट है, और एंड में हम बात करने वाले हैं चेन्नई फ्रेंचाइज की प्लेयर रिटेंशन स्ट्रेटजी की। तो क्रिक ट्रैकर की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है दिया काकर, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। So as we all know that Steve Smith was criticized a lot for scuffing up the pitch during India's second innings, and he was seen doing shadow batting at the striker's end, and after that Rishabh Pant had to take a fresh guard, and now on day 4 of this last test match in the post lunch session Rohit Sharma bhi kuch aisa hi karte hue dikhe gaye aur wo bhi shadow batting kar rahe the, aur wahi dusri taraf Steve Smith jo ki tab Cameron Green ke sath batting kar rahe the non striker's end pe the, wo wahan se is cheez ko observe kar rahe the, lekin pehla jaise ki Steve Smith keh chuke hain ki shadow batting is something that he does on रेगुलर बेसिस और इसमें कोई उनकी गलत इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन तब भी इस मैच में रोहित शर्मा ने उनको इमिटेट करने की कोशिश की और थोड़ी सी मॉक करने की कोशिश की। खैर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में हमें इस तरह के मोमेंट्स देखने को मिलते ही हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन T20 लीग के ऑक्शंस जल्द ही नजदीक आने वाले हैं और सारी टीम्स अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजीज बनाने में बिजी हैं, और वहीं हमें एक रिपोर्ट से ये पता लगा है कि शायद इस बार चेन्नई फ्रेंचाइज सुरेश रैना को रिटेन ना करें, एंड एज वी ऑल नो दैट इन द लास्ट ईयर एज वेल देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स ऑन सुरेश रैना'स विथड्रॉल फ्रॉम दिस टूर्नामेंट as he was not happy with the hotel room, although uske baad Suresh Raina ne clear zarur kiya tha ki wo apne personal reasons ki wajah se hi India wapas gaye the, but his absence definitely hurt the Chennai franchise as they were not able to qualify in the last edition of the Indian T20 league, and now this franchise is looking forward to revamp their squad, aur usme jo auctions hai wo bahut hi zyada important role play karenge hi, aur jo unka 85 crore ka paper se usme se 11 crore unhe sirf Suresh Raina ko hi dene padenge, and because of that they are a bit skeptical ki kya unko Suresh Raina ko retain karna chahiye ya nahi। To ab dekhne बात यही रहेगी कि सुरेश रैना इस साल हमें कौन सी टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। तो पिछले साल BCCI की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इस साल यानी कि इंडियन T20 लीग के 14th एडिशन में हमें 2 एडिशनल टीम्स देखने को मिलने वाली हैं, बट नाउ इट्स बीन लर्न दैट BCCI मेट रिस्ट्रिक्ट दिस कैश रिच लीग ओनली टू 9 टीम्स, क्योंकि BCCI के पास काफी सारे इश्यूज है एड्रेस करने को, एज द इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली 1 टीम विल अलाउ BCCI टू गेट अ बेटर वैल्यू फॉर द 10th टीम, एंड ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ 2 टीम्स इज गोना मेक एंड फोर्स BCCI टू चेंज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और इसी की वजह से उन्हें फ्रेंचाइजेस और मीडिया के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ 9 टीम्स ही होती हैं तो 74 मैचेस होंगे, एंड दैट्स फार मोर फीजिबल, एंड व्हेन ICC विल बी बिजी डिसाइडिंग ऑन द फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स, BCCI इज फोकसिंग ऑन एक्सटेंडिंग द इंडियन T20 लीग विंडो बाय एटलीस्ट अ मंथ, सो दिस इज अ वेरी वेल थॉट मूव, और BCCI इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बेनिफिट लेगा, और इसी के साथ ही जो 10th फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस होगी उसे वो एक बेटर वैल्यू डिराइव कर पाएगा। And yeah, that's about it for today's video. I hope you all enjoyed this segment. And if you did, then do let me know in the comment section below and do like this video. And for more such updates and videos, do follow and subscribe to Cricktracker. And I'm gonna see you guys soon.